हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेंडिंग अफेयर्स पर। दोस्तों, जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी की फील्ड में एडवांसमेंट्स होने की वजह से हमारी लाइफ काफी आसान और कंफर्टेबल हो गई है, वहीं दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी एक्सपेंशन के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम भी आ जाती है, जो कि है साइबर अटैक्स और हैकिंग की प्रॉब्लम। आजकल हर एक देश अपना इम्पोर्टेंट डेटा और फाइल्स ऑनलाइन स्टोर करके रखती है, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर काम अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होने लग गए हैं। इसी चीज का सबसे ज्यादा फायदा होता है हैकर्स और साइबर अटैक्स करने वाले ग्रुप्स को। ये लोग अक्सर एक कंट्री के ऑनलाइन डेटा को हैक कर लेते हैं, ताकि उन्हें उस देश के डेटा की इन्फॉर्मेशन मिल पाए। इसी के चलते एक ऐसी खबर आ रही है जिसमें ये पता चल रहा है कि 2021 के सेकंड हाफ के कंपैरिजन में 2022 के सेकंड हाफ में इंडियन गवर्नमेंट सेक्टर को टारगेट करने वाले साइबर अटैक्स में 95% तक का इंक्रीज आया है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि 2022 में इंडियन गवर्नमेंट सेक्टर में साइबर अटैक्स इतने इंक्रीज हो गए हैं कि 2022 में इंडिया को ऐसे अटैक के लिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली टारगेट किया जाता था। अब अगर हम ये बात करें कि इंडियन गवर्नमेंट सेक्टर में साइबर अटैक्स में इतनी एक्सपेंशन क्यों आई है, तो साइबर सिक्योरिटी फर्म क्लाउडसेक के अकॉर्डिंग ये एक्सपेंशन मलेशिया के हैक्टिविस्ट ग्रुप ड्रैगन फोर्स के कोच कैंपेन्स के चलते आया है। ये कैंपेन सिर्फ एक ग्रुप से नहीं, बल्कि कई सारे हैक्टिविस्ट ग्रुप्स ने इन साइबर अटैक कैंपेन्स को सपोर्ट और ज्वाइन भी किया है। पर अटैक्स के इस इंक्रीज में सिर्फ एक्टिविज्म का बढ़ना ही एक रीजन नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी कुछ और कॉजेज हैं। क्लाउडसेक ने अपनी एक रिपोर्ट में मेंशन करते हुए बताया कि इंडिया के गवर्नमेंट एजेंसीज एक्सटेंसिव फिशिंग कैंपेन्स के लिए एक पॉपुलर टारगेट बन गई है। इन अटैक्स में मोस्ट ऑफ द थ्रेट्स का मेन मोटिव था डेटा को चुराना और उनको पैसों के लिए बेच देना। हालांकि सिर्फ यही एक मोटिव नहीं था, इंडिया के जिन ऑर्गेनाइजेशंस में सबसे ज्यादा रैंसमवेयर अटैक्स देखे गए, उनमें से टॉप पर था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जिसके चलते कई दिनों तक एम्स का नेटवर्क भी डैमेज हो गया था। इसके अलावा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन रेलवे के साथ रजिस्टर्ड लोगों में से लगभग 3 करोड़ ट्रैवलर्स का डेटा हैक करके डार्क वेब पर सेल के लिए दिया गया था। पर बाद में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन से किसी भी तरह की डेटा की चोरी को रेलवे ने डिनाई कर दिया था। दिसंबर में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के ट्विटर को भी हैक कर लिया गया था और हैक्ड अकाउंट से फेक क्रिप्टोकरेंसी गिव अवे स्कैम को प्रमोशन भी मिला था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पिछले 2 सालों में इंडिया, US, इंडोनेशिया और चाइना साइबर अटैक से सबसे ज्यादा टारगेट होने वाली कंट्री है। दोस्तों, इस बारे में आपको क्या लगता है जरूर बताइए, और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।